गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज ये 5 अगस्त 2023। कल एनएफपी डेटा आने के बाद डॉलर में काफी सारा सॉफ्टनेस हो चुका। दैट बीइंग द केस, कल हमारा मॉर्निंग में जो मॉर्निंग एनालिसिस था उसका क्या एक्सपेक्टेशन था? वहां पे हमने कोई डायरेक्शंस के बारे में बताया नहीं था। वहां पे हमने यही देखने का प्रयास किया था, क्या डॉलर इंडेक्स का जो डेली RSI है, क्या ये 60 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा या नहीं। एंड एनएफपी डेटा के बाद वो नीचे आ चुका है। दैट बीइंग द केस, आने वाले दिनों में हम यहाँ पे थोड़ा सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली RSI साइडवेज एट 45.70। दैट बीइंग द केस, यहाँ वीकली पर्सपेक्टिव पे मीन्स वन साइडेड कोई डायरेक्शंस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एंड मंथली पे जो RSI है वो 60 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ सबड्यूड है। दैट बीइंग द केस, ऊपर की तरफ जैसे ही इंडेक्स जाएगा तो वहां पे रेजिस्टेंसेस आने का एक्सपेक्टेशंस। ऑल्सो द मंथली प्राइस कंसोलिडेशन जो है वो आपका ये फेब्रुवरी महीने का जो लो है उसके लो के नीचे जब तक मंथली बेसिस पे क्लोज नहीं दे देता है तब तक ड्रास्टिक कोई सॉफ्टनेस वीकनेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। दैट बीइंग द केस, ओवरऑल बायस जो है थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन ट्रेंडेड सॉफ्ट होने का या वीक होने का कोई एक्सपेक्टेशंस एज ऑफ नाउ नहीं देख रहे हैं। डॉलर रुपी कल आपका ड्यूरिंग द डे ऊपर जाने का प्रयास किया था, जहां पे आपका 82.8384 तक चला गया था। बट पोस्ट NFP डेटा वापस ये 82.65 में दिखा। दैट बीइंग द केस, हमारा जो कॉन्सर्न्स है यहाँ पर भी एज ऑफ नाउ कल का मॉर्निंग का जो एनालिसिस है वहां पे हम एक न्यूट्रल स्टैंड लिया था। क्यों न्यूट्रल स्टैंड लिया था? क्योंकि इस लेवल, क्या लेवल है ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे आने के बाद हमें फर्दर कॉन्फर्मेशंस चाहिए। क्या कॉन्फर्मेशंस? इसको अगर नीचे आना है, नीचे बोले तो 82, 81, 80 की तरफ दोबारा डाउनवर्ड मूव अगर करना है तो हमें कॉन्फर्मेशंस देखना जरूरी है। जैसे कि आपका 6th, 7th, 8th जुलाई को हम देखे थे, 6th, 7th एंड 10th जुलाई को देखे थे। उसके बाद यहाँ पे आपका 19th मई से आपका 30th मई तक, उसके बाद हमारा 15th मार्च, 16th मार्च ऑनवर्ड जो हमने प्राइस एक्शन देखे थे, जब जब ये अपर लेवल पे आया प्राइस कैसे बिहेव किया, मींस थोड़ा सा टाइम देने के बाद एक नेगेटिव कंफर्मेशन आया था। यहाँ पर भी हम झट से नहीं बोल सकते हैं कि डॉलर रुपी वंस अगेन विल कम बैक टुवर्ड्स 82। उसके लिए हमें प्राइस कंफर्मेशन चाहिए था। एंड वन मोर कंसर्न इज दैट यहाँ पे काफी टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है। जितना ज्यादा बार रेजिस्टेंस लेगा उतना ही ये रेजिस्टेंस लेवल वीक हो जाता है। दैट बीइंग द केस, पहले का टेक्निकल जो आपका क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस था, उस क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये था कि जितना बार ये टच पॉइंट ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। ये हो गया क्लासिकल अप्रोच। लेकिन जो लेटेस्ट अप्रोच है, जैसे ही ये थर्ड टाइम फोर्थ टाइम आता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल को हिट करता है तो वो ग्रेजुअली वीक होना चालू होता है। अभी ये करंट लेवल पे ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, क्या ये वीक हुआ है या नहीं, उसको कंफर्म करने के लिए हमें प्राइस एक्शंस देखना चाहिए। क्या प्राइस एक्शंस? यहाँ पे कैंडल कोई सिग्नल दे रहा है क्या कि मैं ऊपर जाने वाला हूं? दिस इज द रीजन कल जो प्री मार्केट एनालिसिस हमारा था वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि वी नीड सम कॉन्फर्मेशंस। एज ऑफ नाउ जो कैंडल बनाया हुआ है ये एक एग्जैक्टली कीकर नहीं है, ये बियर शेष टाइप ऑफ कैंडल है। इससे टू पेयर कैंडल जहां पे
प्रीवियस डे पे ऊपर जा रहा था एंड करंट डे पे ये उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे अभी क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है? आपको याद रहेगा कुछ दिन पहले हमने जैसे आपका 26 जुलाई ऑनवर्ड्स प्राइस सेक्शन के बेसिस पे हमने एक फॉल्स ब्रेकआउट के लिए इंतजार कर रहे थे एंड 27 जुलाई की हाई के ऊपर हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि डॉलर रुपी में मूव टुवर्ड्स 80 to 60 60। हालांकि ये और भी ज्यादा ऊपर चला गया, 15 पैसा ऊपर, 20 पैसा ऊपर चला गया, 65 and 20 is 85। सिमिलरली अभी ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, अभी हमें देखना है क्या ये फॉल्स ब्रेकडाउन होता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक नेगेटिव कैंडल इस रेंज के नीचे चाहिए। किस टाइप का नेगेटिव कैंडल? समथिंग लाइक दिस। इस टाइप का एक नेगेटिव कैंडल होना चाहिए जो ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देगा। उसके बाद उसके लो के नीचे हम सेल ऑफ के लिए तैयार हो सकते हैं और इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होगा? लोअर पार्ट ऑफ द बोले ट्रेंड लाइन, दैट इज 82.00 से 82.10। ये हो गया एक ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, मंडे या ट्यूसडे मींस नेक्स्ट दिन के किसी भी दिन हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए, समथिंग लाइक दिस। आप देखो इस टाइप का ग्रीन कैंडल, छोटा ग्रीन कैंडल, छोटा बॉडी ग्रीन कैंडल, मोटा बॉडी ग्रीन कैंडल, कुछ भी हो, बट कलर जो होना चाहिए, चाहे वो एक डोजी कैंडल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन एक कैंडल होना चाहिए। उसके बाद उसके लो के नीचे हम सेलिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। सो हियर बेचने के लिए हमें दो कैंडल चाहिए। दोबारा वीडियो को देखने के लिए मीन्स रिप्ले करके आप देख सकते हैं। अगर हम वीकली एंड मंथली पे एक नजर डालते हैं, मंथली वही ट्रायंगल के अंदर में बैठा हुआ है, हालांकि जस्ट स्टार्ट ऑफ द मंथ अगस्त, आज सिर्फ 4 दिन गया है महीने का। सो बट कैंडल जो ट्रायंगल के अंदर में ही बैठा हुआ है, वीकली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने के बाद ये ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहा है, प्राइस रिजेक्शंस दिख रहा है ऊपर की तरफ। एंड अभी RSI इज अप्रोचिंग 60, 55.36। सो यहाँ पे अगर जैसे ही रेजिस्टेंस लेगा 60 पे, उसके बाद नीचे आने का प्रयास करेगा, तो कॉल ऑप्शंस राइट कर सकते हैं। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में कल मॉर्निंग में हमने ये पिन बार के बारे में डिस्कस किया था। ये पिन बार जो बनाया हुआ है एट सपोर्ट लेवल एंड फॉलोड बाय ए पॉजिटिव कैंडल। हालांकि ये फुल फ्लेजेड ग्रीन कैंडल होता, यानी बिग बॉडी ग्रीन कैंडल अगर होता तो ये अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाता, और ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार क्यों है? आफ्टर ए फॉलो थ्रू, ऊपर से नीचे आने के बाद एक मॉर्निंग स्टार कैंडल फॉर्म। हालांकि अभी भी ये मॉर्निंग स्टार है, लेकिन कल का जो ग्रीन कैंडल है इतना स्ट्रॉन्ग बना नहीं है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे ऊपर जाएगा, लेकिन फर्दर कंफर्मेशन हमें चाहिए। यहाँ पे देखने वाला बात, RSI टुक सपोर्ट एट 40 एंड ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। इन सच ए केस इसको कैसे ट्रेड में लिया जाए? अवार्डली पे हमें हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन देख के आपका जो भी बाइंग सेटअप है उस हिसाब से ट्रेड को ले सकते हैं, चाहे वो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी हो या पुल बैक स्ट्रेटेजी हो, कुछ भी हो आप ले सकते हैं। एक जल्दी से वीकली एंड मंथली में देख लेते हैं। मंथली जो है आपका RSI 40 51 पे, 51.91, दैट बीइंग द केस, यहाँ पे दोनों साइड में रूम, वन साइडेड डायरेक्शंस का कोई एज ऑफ नाउ इंडिकेशंस है नहीं। वीकली पे ये पहले 10 जुलाई को एक बिग बॉडी कैंडल ग्रीन कैंडल था, फॉलोड बाय बिग बॉडी नेगेटिव कैंडल बेरिश कैंडल, देन डोजी, देन एक पार्शियली नेगेटिव कैंडल। तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ प्राइस रिजेक्शंस हो चुका है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे RSI इज आल्सो अबव 60 से बिलो 60 आके रुका हुआ है। सो यहाँ पे थोड़ा सा कॉल
कॉन्फ्यूशंस क्रिएट हो रहा है. व्हाट इट मींस, यहाँ पे चॉपी एंड वॉलेटाइल मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नॉट ए ट्रेंडेड मूव. जीबीपी आईएनआर में भी कल एक पिन बार बनाया हुआ था एट सपोर्ट लेवल, लेकिन उसके बाद फॉलो थ्रू का जो कैंडल है वो बिग बॉडी कैंडल बनाया नहीं है. ये एक मींस ग्रीन कैंडल है, मींस बुलिश कैंडल नहीं बोल सकते, बट ग्रीन कैंडल बोल सकते, बिकॉज ऊपर की तरफ का जो प्राइस रिजेक्शन से बहुत ज्यादा है, मच मोर देन द आपका ये प्राइस रिजेक्शन इज मोर देन द बॉडी लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ द कैंडल. दैट बीइंग द केस, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस कंसोलिडेट होने का प्रयास कर सकते हैं. यहाँ पे हम बाइंग के लिए भी रेडी नहीं होंगे और सेलिंग के लिए भी रेडी नहीं होंगे. यूरो डॉलर में एक स्मॉल बॉडी स्पिनिंग टॉप ऑफ टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ था कल, उसके बाद आज का ये कंपैरेटिवली बिगर बिग बॉडी कैंडल से इन कंपैरिजन टू जीबीपी डॉलर. जीबीपी डॉलर का जो कैंडल है ऊपर की तरफ रिजेक्शन था, और इस यूरो में एक अच्छा खासा कैंडल बनाया हुआ है. तो यहाँ पे थोड़ा सा हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं. ऑल्सो RSI took support near 40 and moving higher. So यहाँ पे थोड़ा सा रूम है ऊपर जाने के लिए. अभी वीकली पे एक नजर देख लेते हैं. वीकली एंड मंथली पे, मंथली साइडवेज हो सकता है, वीकली जस्ट 60 के नीचे आया है. तो थोड़ा सा मीन्स कहने का मतलब एक वन साइडेड ट्रेंडेड डायरेक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. यूरो आईएनआर पे यार ये जो कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ गया है, अभी डेली चार्ट में इट इज अप्रोचिंग 60, करेंटली एट 55.36. सो ऊपर में थोड़ा सा सेलिंग के लिए एक बायस हो सकता है. एज ऑफ नाउ हमें एक रेंज मिला है, नीचे की तरफ अगर बेचना है तो यहाँ पे एक रेंज मिला है. ये जो रेंज है, ये रेंज के नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें मिल सकता है, यानी ये जो कपल ऑफ डेज का जो लोज है उसके नीचे एक सेल ऑफ के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज वी नीड टू वेट एंड वॉच. डॉलर येन में 60 RSI के जहां पे जब था वहां पे हमने ये नहीं बोला था कि नीचे आएगा, ये भी नहीं बोला था कि ऊपर आएगा, लेकिन RSI क्या ये 60 पे रेजिस्टेंस लेगा? क्योंकि कभी कभी एक इंडिकेशंस मिल जाता है कि ये डायरेक्ट ट्रेंड डायरेक्शन लगे, कभी कभी हमें एक कंफर्मेशन का जरूरत होता है कि क्या कंफर्मेशन, विदाउट द कंफर्मेशन हम कुछ बोल नहीं सकते. तो टाइम टू टाइम ये वेरी करता है, इसीलिए आप देखोगे कभी मैं डायरेक्टली बोलता बोलता हूँ कि ये यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है, और कभी कभी मैं बोलता हूँ कि क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा या क्या या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा. तो यहाँ पे जो था रेजिस्टेंस, क्या ये रेजिस्टेंस लेगा? अगर रेजिस्टेंस नहीं लेता तो ऊपर में इमीडिएटली 144 एंड 145 का एक रेजिस्टेंस था. ऑल्सो हमें आपका डॉलर येन पर्सपेक्टिव में हमें केयरफुली मींस मार्केट को, स्पेशली द बीओजे को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ एक ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपका जो बीओजे है इज नॉट हैप्पी विथ एन डिप्रिसिएशन, स्पेशली एट 144 एंड 145. सो हमें बीओजे पॉलिसी रेट डिसीजंस एंड द इनिशिएटिव्स हमें देखना है. पॉलिसी तो अभी लास्ट वीक ऑफ सितंबर में है, तो इन बिटवीन काफी टाइम है अभी भी बीओजे का नेक्स्ट पॉलिसी डिसीजंस. तो ड्यूरिंग द डे कुछ इंटरिम पॉलिसी डिसाइड करते हैं क्या, वो हमें केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा. एनआईएनआर में सिमिलरली यहाँ पे क्या 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा? वही हुआ है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है. यहाँ पे एनआईएनआर में हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा ट्रेंडेड अप मूव के लिए तैयार होना है. यहीं पे बाय करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हमें कॉन्फर्मेशंस चाहिए. बीओजे अगर कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी डिसीजंस ले लेते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द एक्चुअल पॉलिसी डिसीजन, इंटरिम पॉलिसी डिसीजन अगर कुछ ले लेते हैं इन सच ए केस, ये एनआईएनआर पे अच्छा खासा एक ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डॉलर कैंडी में अब यहाँ पे जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है आपका 134, वहीं पे आके अटका हुआ है. यहाँ पे टाइम पास करने के बाद जितना टाइम पास करेगा उतना ही ऊपर जाने का प्रयास करेगा. RSI भी अभी अपनी 61.92 है, जस्ट ब्रोक अबव 60 एंड मूविंग हायर. दैट बीइंग द केस, जैसे 134 के ऊपर सस्टेन करेगा तो
ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है। एक नजर वीकली एंड मंथली में देख लेते हैं। मंथली यस मंथली पे ये ठीक है, कैंडल का कुछ मेरे को गड़बड़ लग रहा है। अच्छा ठीक है, मंथली को हम साइड में रखते हैं। आई डोंट नो व्हाई द कैंडल मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। वीकली में जो है ये कंसोलिडेट करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। दैट बीइंग द केस, अभी भी करंटली आरएसआई 50.29 है, वीकली आरएसआई 60 जाने के लिए रूम है। दैट बीइंग द केस, डेली में ऊपर जाने का, थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है। ऑसी डॉलर में यहाँ पे कल हमारा ये डिसीशन था, क्या यहाँ पे अनदर फॉल्स ब्रेकडाउन होगा, उसके लिए हमें एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल चाहिए होता है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। उसके लिए हमें इंतजार है। इस स्टेप पे अगर अंदर में रेंज के अंदर ऊपर जाके एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बना तो उसके हाई के ऊपर हम बाई कर सकते हैं फॉर ए टारगेट टुवर्ड्स 6.8 एंड स्टॉप लॉस बिलो द लो ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल। अभी सीएनएच में आपका ये रेंज के अंदर में अभी एज ऑफ नाउ अटका हुआ है 7.22 एंड 7.11 के बीच में अटका हुआ है। प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, हमें थोड़ा यहाँ पे क्लोजली मॉनिटर करना है, क्योंकि इसीलिए क्लोजली मॉनिटर करना है क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, एंड दैट बीइंग द केस यहाँ पे और वीकनेस हो सकता है। चाइनीज युआन पे अगर वीकनेस आता है तो हमारा रूपी में भी प्रेशर आने का एक्सपेक्टेशन। अभी यूके ऑयल आपका ये कल एक पॉजिटिव कैंडल बनाया हुआ है, हालांकि ऊपर की तरफ थोड़ा सा रिजेक्शन हुआ है, लेकिन आरएसआई देखिए फर्स्ट टाइम आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम टू सपोर्ट एट 60। दैट बीइंग द केस यहाँ पे ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी कल सॉफ्ट हुआ है अच्छा खासा, जैसे हमारा दो लेवल था कल का प्री मार्केट एनालिसिस में, आप देखोगे दो लेवल था, ये एक लेवल दूसरा एक लेवल। हमें ये देखना था कि एनएपी डेटा के बाद ये यहाँ पे रेस्पेक्ट करके नीचे आता है या एनएपी डेटा के बाद ये ऊपर की तरफ जाता है। दैट वाज आवर ऑब्जर्वेशंस, मींस हम ये देखना चाहते थे। अभी ये यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, दैट इज गुड, एंड ऑल्सो आरएसआई केम डाउन बिलो 56, तो थोड़ा सा यहाँ पे आने वाले दिनों में हल्का सा सॉफ्ट, डायरेक्ट वीकनेस नहीं, हल्का सा सॉफ्ट होने का प्रयास कर सकता है। US 2-year ट्रेजरी में भी अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, इट्स ए गुड नेगेटिव कैंडल। आल्सो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे स्ट्रांग बॉडी कैंडल दिया हुआ है। दैट बीइंग द केस 2-year ट्रेजरी में आने वाले दिनों में और थोड़ा मीन्स यहाँ पे वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देखने वाला चीज ये है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट मीन्स द 2-year एंड 10-year के बीच में नेगेटिव 73 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है, जो पहले 105 नेगेटिव 105 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस चला गया था। ये धीरे धीरे कमना चाहिए, कम होना चाहिए वन इंडिकेशन से, एंड ऑल्सो ये सॉफ्ट होना चाहिए। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट वीक एंड ड्यूरिंग दिस वीकेंड रेस्ट एंड रिकुपरेशन कीजिए, सो डेट मंडे ऑनवर्ड्स आप लोग दोबारा नए एनर्जी के साथ, नया पर्सपेक्टिव के साथ मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव बाय बाय।